गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली टेक्नो पोवा 4 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि ये पोवा 4 और पोवा 4 प्रो दोनों ही लॉन्च हुए हैं। मैं अगर इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ थोड़ा एक नज़र डालूं, तो 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट है 90Hz रिफ्रेश रेट का। और ये 6nm मीडियाटेक डायमेंसिटी G99 SoC पर काम करता है। ये एक गेमिंग फोक्स्ड हैंडसेट है, जो कि पोवा 4 प्रो में 5GB एक्सटेंडेड वर्चुअल रैम भी इसमें ऐड है, मतलब कि 8GB रैम है। और कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का पहला कैमरा होगा और 2MP का दूसरा कैमरा इसमें मिलेगा, मीन्स दिया हुआ है। वहीं इसके फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी की बात की जाए तो 45W फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सिर्फ 24 मिनट में 50% तक चार्ज कर देती है। और ये स्मार्टफोन में हार्ड जायरोस्कोप सेंसर दिया गया है, जो कि गेमिंग के दौरान हेल्प करता है। कि वहीं जेड एक्सिस लीनर वाइब्रेशन मोटर गेमिंग के दौरान हैप्टिक्स में बेहतर काम करता है। टेक्नो पोवा 4 प्रो में स्मार्टफोन 4G डुअल सिम सपोर्ट के साथ 12 पर बेस्ड है, एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है HiOS के साथ। फाइनली अगर मैं प्राइस को लेकर यहाँ बात करूँ, तो टेक्नो पोवा 4 प्रो में 8GB रैम प्लस 256GB का स्टोरेज है। और वहीं अगर मैं जो बांग्लादेशी प्राइस है 26,990 में, यानी कि अगर इंडिया में हम करेंसी को कन्वर्ट करते हैं तो 21,330 रुपये में आते हैं। ये बांग्लादेश में लॉन्च हो गया है आज 3 दिन पहले, और हालांकि इंडिया में मार्केट में कब होगा इसका कुछ जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन इस फ़ोन में जो भी कुछ फीचर्स हैं, और ऐसा पता चलता है प्राइस के हिसाब से कि सेम वेरियंट में सेम और इसके प्राइस में आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ अब लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।